Hello students, today I am here with the line wise summary, or you can say detail of your poem The Voice of the Rain, written by Walt Whitman. आज मैं आपके साथ आपकी क्लास की जो तीसरी पोइम है द वॉइस ऑफ द रेन, वॉल्ट व्हिटमैन ने जो लिखी है, उसके साथ उपस्थित हूं. इन दिस पोइम द पोएट टेल्स अस अबाउट रेन एंड देर इज ए कन्वर्सेशन विच मे बी वेरी स्ट्रेंज टू हियर. देर वॉज ए कन्वर्सेशन बिटवीन द पोएट एंड द रेन. इस लेसन में कवि एक बातचीत दिखाता है अपनी, किसके साथ? रेन के साथ. ये बड़ा अजीब हो सकता है आपके लिए सुनना, लेकिन वो दिखाता है. एंड द पोएट टेल्स अस अबाउट हिज पर्सनल एक्सपीरियंस एंड विच इज यूनिवर्सल आल्सो अबाउट द रेन. और इसमें जो कवि है वो अपने व्यक्तिगत अनुभव, जो कि सर्वव्यापक भी है, बरसात के बारे में वो बताता है. तो पहली लाइन क्या है पोइम की? एंड हु आर यू, सैड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग सावर. कवि जैसे अपने हाथ में एक बूंद बरसात की लेकर के उससे पूछता है कि तुम कौन हो, बड़ी सॉफ्ट सी, बड़ी मासूम सी, बड़ी विनम्र सी गिरती हुई एक बूंद को रोक करके वो पूछता है कि तुम कौन हो. विच स्ट्रेंज टू टेल गेव मी एन आंसर. और देखो, बरसात ने भी यहां पर, बड़ा आपको लगेगा अजीब स्ट्रेंज, कि बरसात ने भी यहां पर कवि के इस सवाल का उत्तर दिया. जब कवि ने उससे पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने उत्तर दिया, क्योंकि कवि एक भाषाएं समझता है प्रकृति की, इसलिए कवि ने बरसात की भाषा को समझा. लेकिन आप क्योंकि नहीं समझते, तो कवि ने उसको यहां पर आपकी भाषा में ट्रांसलेट किया, व्याख्यित किया. तो क्या कहा था जब उस ये पूछा गया कि तुम कौन हो, तो बरसात ने क्या कहा? आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, सेड द वॉइस ऑफ द रेन. तो बरसात ने कहा कि मैं एक कविता के समान हूं, एक गाने के समान हूं. एज यू एंजॉय सॉन्ग्स, यू एंजॉय पोएम, यू रिफ्रेश योर सेल्फ इन द सेम वे आई रिफ्रेश द पीपल. तो बोले कि जैसे जनता, लोग अपने आप को रिफ्रेश करते हैं गाना सुन करके, कविता सुन करके, तो ऐसे ही मैं भी कविता के समान हूं जो रिफ्रेश करती हूं हर किसी को. उसने अपनी जिंदगी के बारे में आगे बताया, उसने कवि को बताया और कवि आपको बता रहा है. क्या बताया बरसात ने? एटर्नल आई राइट इम्पेलपेबल आउट ऑफ द लैंड. एटर्नल सदा, हमेशा, दिन और रात कोई इसके साथ नहीं है, मतलब कि हमेशा. आई राइज, मैं उठती रहती हूं. इनपेबलेबल मैंने कि जिसको छुआ नहीं जा सकता. आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, कि मैं समुद्रों से, मैं लैंड जमीन से वाष्प के रूप में दिन और रात देखे बगैर उठती रहती हूं. आपको पता ही है पानी का जीवन चक्र, वही बात यहां पर है कि मैं, मुझे छुआ नहीं जा सकता. क्यों? क्योंकि वेपर पोजीशन में है, गैसीय पोजीशन में है, तो गैसीय पोजीशन को आप कैसे छू सकते हो? तो उसने कहा कि मैं बिना छुए उठती रहती हूं समुद्रों से और जमीन से. जमीन मेरी माँ है, धरती मेरी माँ है, और समुद्र मेरा पिता है, ऐसा मान लो. उसने ऐसा कहा. अपवर्ड टू द हेवन, मैं वहां से, जमीन और समुद्रों से उठती रहती हूं. कहां पर? हेवन यानी कि आसमान की ओर. यहां पर हेवन स्वर्ग नहीं, आसमान की ओर. वेगली फॉर्म्ड, जहां पर मेरा एक रूप जो अनिश्चित है. ऐसा नहीं कि मैं कोई, जैसे किसी भी चीज का रूप होता है या जैसे एक इंसान का रूप दिखता है, ऐसे मेरा कोई रूप दिखता नहीं है. मैं छोटी भी हो सकती हूं, बड़ी भी हो सकती हूं, लेकिन हूं तो मैं क्या? सेम, यानी कि क्या? द्रव्य अवस्था में मैं चली जाती हूं वहां पर कंडेंस हो करके. उसने ऐसा कहा. आगे वो कहती है, आई डिसेंट टू लिव ड्रॉट. तो वो कहती है, फिर मैं जब ऊपर जाकर मेरा रूप वेपर से यानी कि
गैसीय अवस्था से किसमें भाई लिक्विड फॉर्म में हो जाता है बिकॉज ऑफ द कंडेंसेशन। आपको पता ही, आप तो साइंस के स्टूडेंट और कॉमर्स के स्टूडेंट को 10वीं 9वीं क्लास में आपने पढ़ा है कि जो पानी है भाप बनकर के ऊपर उठता है और ऊपर जाकर के वो कंडेंस हो जाता है, ठंडा हो जाता है और फिर बूंद का रूप लेकर के जमीन पर आ जाता है। बिल्कुल वैसे ही वो कह रही है कि फिर जब मैं अपना रूप बना लेती हूँ, छोटी बूंद भी हो सकती हूँ, बड़ी बूंद भी हो सकती हूँ, फिर आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट, फिर मैं डिसेंड यानी कि जमीन पर गिरती हूं, टू लेव, ले मैंने वास धो डालना, टू लेव द ड्रॉट्स एटम्स डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब। तो मैं फिर छोटे छोटे कणों पर भी गिरती हूं, ये नहीं मैं कोई, यहां पर देखिए बड़ा सीख है, मैं कोई भेदभाव नहीं करती, मैं अमीर गरीब में भेदभाव नहीं करती, मैं बड़े छोटे में भेदभाव नहीं करती, मैं गोरे काले में भेदभाव नहीं करती, मैं ऊंचे नीचे में भेदभाव नहीं करती, मैं तो हर कण कण पर गिरती हूं, डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब। मैं संसार की जो डस्ट लेयर है, जो संसार की कह लीजिए आप रेत की परतें हैं, मैं उन पर गिरती हूं। एंड दैट ऑल इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबोर्न। और जब मैं गिरती हूं ना, तो पृथ्वी पर जो बीज थे, जो जमीन के अंदर दफन थे, लेटेंट एंड अनबोर्न, यानी कि लेटेंट आपको पता ही है जो प्रकट नहीं थे, अभी दिख भी नहीं रहे थे एकदम से, और जो अनबोर्न थे वो बीज फूट पड़ते हैं। आपने देखा है अभी मानसून आने वाला है, जैसे ही मानसून आएगा तो जो खाली जगह है वहां पर भी हरियाली आ जाएगी। आप सोचेंगे कि मैं कल यहां से निकलता था तो कोई हरियाली नहीं थी, आज अचानक ये हरियाली कहां से आ गई, ये किसने बीज यहां पर बोए हैं नए नए पेड़ पौधों के। लेकिन कोई नहीं, वो थे, ऑलरेडी थे वो, लेकिन सुस्त थे, अनबोर्न थे। जैसे स्पर्श हुआ किसका, बरसात की बूंद का, तो वो जिंदगी में आ गई। तो वो कहती है बरसात कि मेरे आते ही क्या है भाई, जिंदगी आ जाती है, पेड़ पौधों के अंदर जान आ जाती है, जो बीज अभी तक अनबोर्न थे वो जन्म ले लेते हैं, अंकुरित हो जाते हैं, फूट हो जाते हैं। एंड फॉर एवर बाय डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ऑन ओरिजन। और देखो उसने और कहा जो बड़ा सबक है हम सबके लिए, कि मैं दिन और रात जिस तरीके से मेरा जन्म होते हुए भाप से मेरा ऊपर उठते हुए दिन और रात नहीं था, ऐसे ही मैं जब बरसती हूं तो दिन और रात नहीं देखती हूं, और मैं अपने ओरिजिन को, मैं अपनी उत्पत्ति करने वाले को, मैं अपने माता पिता को वापसी, उनका जो ऋण है वो चुका देती हूं। यहां पर हम मनुष्यों के लिए एक सीख है कि हमें अपने माता पिता की बड़ी सेवा करनी चाहिए जब वो बूढ़े हो जाए। क्यों? क्योंकि जब वो जवान थे तो उन्होंने आपको जन्म दिया, आपको पाला, आपको इस जिंदगी में लाए। आज हो सकता है वो उनको आपकी जरूरत हो, ये नहीं कि नहीं जी अब तो रात हो गई अब हम आपकी हेल्प नहीं करते, सुबह देख लेंगे, नो। तो वो एक सबक भी देती है और कहती है कि जब मैं जमीन पर वापसी या समुद्रों में वापसी आती हूं तो दिन रात नहीं देखती, बिना दिन रात देखे मैं अपने माता पिता के पास आती हूं। मेक प्योर एंड ब्यूटीफाई इट, और मैं जमीन को और यूं कह लीजिए समुद्रों को धो डालती हूं, उनकी जो सारी पीड़ा दूर कर देती हूं। आपने देखा ही है जब बरसात आती है तो पृथ्वी एक नई रौनक में आ जाती है, आपने देखा है सारी जो इमारतें हैं, जो पर्वत है, जो आसमान है, खुला खुला सा नजर आता है। तो वो ये कहती है, तो ये सारी बातें अभी तक जो आपने सुनी ये बरसात ने कवि को कही थी और कवि ने आपको कही। अब कवि भी कुछ कहना चाहता है बरसात के बारे में, तो वो क्या कहना चाहता है देखिए। फोर सॉन्ग इशुइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वांडरिंग रेकंड और अनरेकंड ड्यूली विद लव रिटर्न्स। कभी भी बरसात की बूंदों की तुलना गाने से करता है। जैसे एक गाना होता है जब वो बजता है, आपने वैसे उस गाने को नहीं बजाया, अगर आपके कानों में पड़ गया, चाहे वो पड़ोसी ने बजाया, चाहे वो गली में कोई बज रहा है, आपके कानों में पड़ गया, तो आप एकदम से क्या हो जाओगे, रोमांचित हो जाओगे। तो रैकंड और अनरैकंड मैंने
आपने सुनने के लिए नहीं बजाया, किसी और ने बजा दिया, आपने सुन लिया, लेकिन आप रोमांचित हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे गाना सुनते ही। ऐसे ही कवि कहता है कि बरसात, चाहे बेशक बरसात आप बरसात में भीग नहीं रहे हैं, बेशक आप बरसात को दूर से देख रहे हैं, लेकिन बरसात को छू लो या ना छू लो, आप उसका स्पर्श कर लो या देख लो, दोनों ही सूरत में आपको मजा मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों ये कविता है, और आपने देखा कि इसमें बारिश की बूंद के बारे में बताया है, जैसा कि बारिश की बूंद की तुलना यहां पर की गई है पोइम से, सॉन्ग से, एसेट्रा। और पानी का जीवन चक्र भी जब आपने साइंस में 9वीं 10वीं में पढ़ा होगा तो आपको याद आ गया होगा, बिल्कुल वही है। क्यों? क्योंकि पानी का जीवन चक्र ही बारिश है। तो उम्मीद करते हैं कि आप पढ़ रहे हैं, जवाब दिया करें, बड़ी मस्ती से रहा करें और इंटरेस्ट लें अपने सारे सब्जेक्टों में। धन्यवाद।